हरे कृष्णा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनके एक इशारे से क्षण भर में अनंत ब्रह्मांडों का निर्माण हो जाता है, उनके प्राकट्य स्थल भूमि श्री अयोध्या धाम में हम उनके लिए एक मंदिर नहीं बनवा पा रहे हैं। भारत की सारी न्यायालय जिनके जन्मदिन पर श्री राम नवमी पर छुट्टी मनाते हैं, वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ भी था कि नहीं हुआ था। हजारों घंटे की टीवी डिबेट हो चुकी है, सब एक दूसरे के ऊपर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन कितनी बार हमने ईमानदारी से ये जानने का प्रयास किया है कि क्यों बाबर ने मंदिर तोड़ा, या फिर कोई भी जो मुस्लिम राजा हैं, जब भी वो किसी नई जगह पर फतेह हासिल करते थे तो वहाँ पर सबसे पहले वहाँ के मंदिर, वहाँ की मूर्तियों को क्यों तोड़ते थे। और ये बहुत गौरव की बात थी उनके लिए, बहुत कीर्ति की बात थी उनके लिए। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कि सिर्फ वो कट्टरवादी थे, इसके पीछे और भी एक बहुत बड़ा फिलोसफिकल रीज़न है, एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो इस्लाम में, जो मुस्लिम भाइयों में हिंदू भाइयों के प्रति है। हमें उसको समझना होगा, और इसको समझने के लिए हमें ये भी समझना होगा कि जो हिंदू हैं वो मंदिरों में मूर्तियों की पूजा क्यों करते हैं, पत्थरों की पूजा क्यों करते हैं, इस बात को भी हमें समझना होगा। और अगर हम इन दोनों बातों को अच्छे से समझ सके तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों हिंदू भाई और मुस्लिम भाई कुछ कदम सद्भावना के एक दूसरे की तरफ बढ़ा सकते हैं। इस्लाम में ये मानते हैं कि भगवान एक है और वो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है और वो इस भौतिक जगत से परे है। इसलिए इस भौतिक जगत में किसी भी चीज़ से, किसी भी प्रतिमा से, किसी भी मूर्ति से उस भगवान को नहीं दर्शाया जा सकता। इनफैक्ट जो लोग ऐसा काम करते हैं, जो यहाँ पे मनगढ़ंत अपनी कल्पनाओं से अलग अलग तरह की मूर्तियाँ बनाते हैं, एक्चुअली भगवान के प्रति वो बहुत बड़ा अपराध करते हैं, क्योंकि वो लोगों का ध्यान भगवान से हटाने का काम करते हैं और ये काम शैतान का है। इस्लाम में अंडरस्टैंडिंग है जो शैतान है उसका काम है लोगों का ध्यान भगवान से हटाना, तो वो इन मूर्तियों में, इन प्रतिमाओं में उस शैतान को देखते हैं, क्योंकि शैतान की वजह से, इन मूर्तियों की वजह से लोग भगवान की जगह इनकी पूजा कर रहे हैं। तो ऐसी मूर्तियों को, ऐसी प्रतिमाओं को, ऐसी कोई भी चीज़ है जो लोगों का ध्यान भगवान से हटा रही है, उन मूर्तियों को, उन हर एक चीज़ को तोड़ देना चाहिए, मिटा देना चाहिए। और ये धर्म के प्रति एक बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो भी जब काबा लौटकर आए थे तो उन्होंने देखा कि 360 उस वक्त अलग अलग मूर्तियां थी जो लोगों ने बना रखी थी अपनी अपनी कल्पनाओं से, अलग अलग जानवरों की, अलग अलग तरीके की। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने वो सारी मूर्तियों को तोड़वा दिया था, हटा दिया था। तो वहाँ उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल सेट किया था जिसको आज भी लोग फॉलो कर रहे हैं। तो जब भी वो कोई ऐसी चीज़ों को देखते हैं मंदिरों में मूर्तियों को, जो मुस्लिम राजा थे, तो उन मूर्तियों को, उन मंदिरों को तोड़ देने में उनके धर्म की सेवा है, इस्लाम की सेवा के समान है वो। देखिए, जो भगवान की अंडरस्टैंडिंग है वो इस्लाम धर्म में और सनातन धर्म में लगभग एक जैसी है। जैसे इस्लाम धर्म में हम मानते हैं कि भगवान एक हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं, वो परम दयालु हैं, वो सब कारणों के कारण हैं, वो इस सृष्टि से परे हैं, ये लगभग सेम है। जैसे इस्लाम में हम मानते हैं कि भगवान निराकार हैं, तो सनातन धर्म में हमारा ये मानना है कि भगवान साकार और निराकार दोनों हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि भगवान ऐसे नहीं हैं, कोई भी चीज़ हम ऐसे नहीं बोल सकते कि भगवान में नहीं है, क्योंकि भगवान की डेफिनेशन के ही खिलाफ है। भगवान जो है वो पूर्ण है, पूर्ण का मतलब हर एक चीज़ है उनके अंदर। कोई भी चीज़ हम अगर ऐसे बोलेंगे कि भगवान में ये नहीं है, इसका मतलब ये डेफिनेशन के अगेंस्ट है। तो भगवान एक ही साथ साकार भी हैं, निराकार भी हैं, उनका रूप भी है और वो बिना रूप के भी हैं, जिनको हम ब्रह्म ज्योति कहते हैं। इसी तरह इस्लाम धर्म में ये अंडरस्टैंडिंग है कि भगवान कभी धरती पर नहीं आते। हमारी सनातन धर्म में अंडरस्टैंडिंग है भगवान धरती पर आते हैं या नहीं आते ये अलग बात है, लेकिन भगवान धरती पर नहीं आ सकते हैं ये गलत है। अगर भगवान धरती पर आना चाहें तो कौन रोक सकता है उनको, जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई, क्या वो स्वयं अपनी सृष्टि में नहीं आ सकते। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, भगवद्गीता में स्वयं भगवान ये बात बोलते हैं 4.7-4.8 में कि वो धरती पर आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, अपने भक्तों से मिलने के लिए, उनको धर्म का मार्ग बताने के लिए वो धरती पर बार बार आते हैं। और क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग इस्लाम में नहीं है, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि जैसे जो राम हैं, कृष्ण हैं, ये पहले कभी कोई बहुत बड़े राजा रहे होंगे, बहुत कोई वर्चुअस किंग रहे होंगे, या फिर कोई प्रॉफिट रहे होंगे, लेकिन लोगों ने आउट ऑफ इमोशंस इनको भगवान बना दिया और इनकी मूर्ति बना के इनकी पूजा करनी शुरू कर दी। जबकि ऐसा नहीं है, हमारे इतिहास में एक से बढ़कर एक यशस्वी राजा रहे हैं,
बड़े बड़े संत ऋषि मुनि महापुरुष रहे हैं, उनमें से किसी को भगवान नहीं बनाया गया। जो कौन भगवान है या कौन भगवान नहीं है, इसका डिसीजन कोई मनुष्य नहीं लेता है, अपने आप से नहीं लिया जाता, आउट ऑफ इमोशंस नहीं लिया जाता। इसका निर्णय जो है वो शास्त्रों के आधार पर लिया जाता है। शास्त्रों में भगवान के, एक ही भगवान के जो अलग अलग अवतार पहले जितने हुए हैं और आगे जितने होंगे, वो सारे मेंशन हैं। उसके आधार पर यह निर्णय होता है कि कौन भगवान है और कौन भगवान नहीं है। जो भगवान राम हैं उनका क्लियरली शास्त्रों में एक के बाद एक सब जगह उनका पूरा रेफरेंस है। कोई एक शास्त्र भी बिना उनके भगवान को, उनको बिना भगवान बताए ख़त्म नहीं होता है। स्वयं भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण बोलते हैं, मैं ही राम भी था जब मैं पहले आया था। तो क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग मिसिंग है इस्लाम में, इसलिए वो भगवान राम को भगवान की तरह नहीं देखते हैं। एक्चुअल में भगवान राम भी अल्लाह ही, अल्लाह के ही अवतार हैं, लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग के ना होने की वजह से उनको लगता है कि कोई प्रॉफिट हैं या कोई पहले राजा हैं, और ये हिंदू मूर्ख हैं, और ये अपने किसी राजा की आउट ऑफ इमोशन उनको भगवान समझ के उनकी मूर्तियाँ बना के और उनकी पूजा कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर भगवान है भी तो भी उनकी मूर्ति बनाने की क्या जरूरत है। देखिए, जिनको हम मंदिर में पत्थर की मूर्ति समझते हैं, एक्चुअली में उनको अर्च विग्रह कहते हैं, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जो कि इस्लाम में कम्प्लीटली मिसिंग है। यहाँ इस्लाम में आइडिया ही नहीं है कि ये क्या चीज़ होती है, अर्च विग्रह क्या होता है, इसकी कैसे पूजा की जाती है, इसलिए उसको वो सिर्फ एक पत्थर की तरह देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरे पास ये दो कागज़ हैं, ये भी एक कागज़ है और ये भी एक कागज़ है। अगर किसी बच्चे को बोला जाए कि इन दोनों कागज़ को फाड़ दो, तो वो दोनों को फाड़ देगा, उसके लिए दोनों कागज़ हैं। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो समझदार हैं, वो समझते हैं कि ये एक आम कागज़ है, इसको फाड़ा जा सकता है, लेकिन इसको नहीं फाड़ सकते हैं। इसकी एक वैल्यू है, गवर्नमेंट ने इसको बनाया है एक पर्टिकुलर शेप में, डिज़ाइन में इसको बनाया है, और इसके अंदर गवर्नमेंट ने वो अथॉरिटी दी है कि इसकी, इसके ज़रिए हम बाज़ार से कोई भी $100 तक का, $100 तक का हम सामान खरीद सकते हैं। तो सिर्फ इसको एक कागज़ की तरह देख लेना जो है वो अज्ञानता की निशानी है। इसी तरह जो मंदिर में अगर जो मूर्ति हैं वो अर्च विग्रह हैं, उनको सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति देख लेना जो है वो अज्ञानता का कारण है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है, एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, उसको हमें समझना होगा। इस्लाम धर्म में ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो भगवान है उन्होंने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया, और यही अंडरस्टैंडिंग सनातन धर्म में है कि भगवान ने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया लेकिन अपनी शक्ति से करा। तो अपनी शक्ति के रूप में भगवान इस सृष्टि में हर एक जगह, एक एक कण कण में मौजूद हैं। लेकिन ये सवाल हमें अपने आप से पूछना होगा कि क्या हम आध्यात्मिक रूप से इतने उन्नत हैं कि भगवान को हर जगह कण कण में देख सकें। जैसे पानी है, पानी अपने वेपर्स की फॉर्म में पूरी हवा में हर जगह मौजूद है, लेकिन क्या हम अपना मुँह खोल के डायरेक्ट पानी हवा से पी सकते हैं? पानी पीने के लिए हमें नल पे जाना पड़ता है जहाँ पे पानी एक कंसेंट्रेटेड फॉर्म में मौजूद है। तो इस बात को देखते हुए कि जो भगवान के भक्त हैं वो सभी आध्यात्मिक रूप से इतने उन्नत नहीं हैं, भगवान ने अर्च विग्रह का सिद्धांत दिया। दूसरी बात, जब भक्त भगवान से प्रेम करता है तो वो उनके लिए कुछ करना चाहता है, उनकी कुछ सेवा करना चाहता है। प्रेम और सेवा ये दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। आप भी अपने जीवन में देखिए, आप अपने माँ बाप से, अपनी पत्नी से, भाई बहनों से, अपने बच्चों से, जिनसे भी आप प्रेम करते हैं, आप हमेशा उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो भक्त जो है वो अगर वो कैसे भगवान की सेवा करे, तो उसकी सेवा को एक्सेप्ट करने के लिए इस बात को समझते हैं कि अगर भक्त उनके लेवल तक नहीं जा सकता तो भगवान इतने बड़े दयालु हैं कि वो भक्त के लेवल पर आ रहे हैं और अर्च विग्रह के फॉर्म में जो है भक्तों की जो सेवा है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये भगवान की एक बहुत बड़ी करुणा है, दया है, अनुकंपा है कि वो सिर्फ भक्त से ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो भगवान के लेवल तक आए, भगवान स्वयं नीचे लेवल पर आके भक्तों की सेवा जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। सनातन धर्म में जितने भी शास्त्र हैं उसमें जो सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है वो श्रीमद् भागवतम बताया गया है। तो उसके 11वें स्कंध के 27वें अध्याय में भगवान पूरा डिटेल में अर्च विग्रह के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि अर्च विग्रह को कैसे बनाना है, कैसे उसमें प्राण प्रतिष्ठा करनी है, फिर कैसे उसकी पूजा करनी है। तो जैसे अर्च विग्रह जब बनाते हैं वो अपनी मर्जी से, अपनी कल्पना से नहीं बनाते हैं, उसके लिए अलग पूरा शास्त्र है, उसको शिल्पी शास्त्र बोलते हैं, उसके अनुसार उन विग्रहों को जो है बनाया जाता है। आप देखिए, पूरी दुनिया में जितने भी मंदिर हैं सब जगह विग्रह एक ही तरीके के होते हैं। जैसे कृष्ण हैं, वो हाथ में बांसुरी लिए खड़े हैं, सर पे मोर पंख हैं, पांव जो हैं उनके इस तरह से फोल्डेड हैं, या भगवान राम हैं तो उनके हाथ में धनुष है। तो ऐसा नहीं है कि किसी मंदिर में कुछ किसी तरीके से है, किसी और मंदिर में किसी तरीके से है, क्योंकि एक शास्त्रों के आधार पर उसको डिज़ाइन किया गया है, इसलिए वो सब जगह एक जैसे हैं।
उसके बाद जो है एक प्राण प्रतिष्ठा करके यज्ञ होता है जिसमें भगवान को आमंत्रित किया जाता है उन अर्च विग्रह में, और भगवान भी जो है वो प्रेम पूर्वक आउट ऑफ लव एंड कंपैशन जो है उस अर्च विग्रह में आते हैं हमारी सेवा को एक्सेप्ट करने के लिए। और फिर उन अर्च विग्रह की कैसे पूजा करनी है, क्या करना है, उसका भी पूरी पंचरात्र विधि है जिसके अंतर्गत वो काम किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से, अपनी कल्पना से चीज़ें चल रही हैं। जैसे कि इस तरह से समझो, जैसे कि जैसे पोस्ट बॉक्स है, तो पोस्ट बॉक्स जो है हम बचपन में देखते थे कि एक रेड कलर का बॉक्स है, उसमें जब हम लेटर डालते हैं तो वो अपनी डेस्टिनेशन पे, अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से किसी और लाल कलर के डिब्बे में मैं अगर लेटर डाल दूँ तो वो भी मंजिल में पहुँच जाएगा। जो पोस्ट बॉक्स है उसका एक पर्टिकुलर डिज़ाइन है, वो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है, उसको एक तरीके से बनाया गया है, एक जगह पर इंस्टॉल किया गया है, उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है। जब मैं उस लेटर को उसमें डालूंगा तब जाके वो अपनी मंजिल पे पहुंचेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये देखूं कि एक लाल कलर का डिब्बा है, जैसे लोग बोलते हैं मंदिर में जो पत्थर की है, सिर्फ पत्थर उनको दिखाई देता है, इसी तरह मैं भी देखूं कोई भी एक लाल कलर का डिब्बा है उसमें लेटर डाल दो तो वो मंजिल तक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि उन दोनों में फ़र्क है। वो पोस्ट बॉक्स जो है वो एक प्रॉपर प्रोसेस से डिज़ाइन किया गया है। तो क्योंकि इस्लाम धर्म में अर्च विग्रह का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ऊपर से ये और है कि जहाँ भी मूर्तियाँ दिखाई दें, प्रतिमाएँ दिखाई दें, उनको तोड़ दो, वो भगवान के कंपटीटर हैं। इसलिए वो दुनिया में जितने मंदिर हैं, जितनी भी मूर्तियाँ हैं, सबको एक नज़र से देखते हैं। उनको लगता है कि सारे भगवान के कंपटीटर हैं, ये सारे शैतान की रिप्रेजेंटेशन है, और उन सबको तोड़ना जो है अपना धर्म समझते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, अर्च विग्रह जो है वो शास्त्रों के अनुसार है, भगवान के ही द्वारा बनाया गया है, उन्हीं के द्वारा दिया गया, और उन्हीं अल्लाह जो भगवान हैं वो जो राम के रूप में है, जो कृष्ण के रूप में, उन्हीं के द्वारा दिया गया है। जहाँ तक इमेजिनरी की बात है, काल्पनिक मूर्तियों की बात है, उनको तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कई बार लोग मायावती की मूर्ति बना दी, अमिताभ बच्चन की मूर्ति बना दी, या किसी और के लोग अपना अपनी मनगढ़ंत अपनी कल्पनाओं से कुछ कुछ बना के पूजा करते हैं, उसको तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको तोड़ देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात हमें यहाँ पे ये समझनी होगी कि जो रिलीजन है वो भगवान के लिए है, भगवान रिलीजन के लिए नहीं है। तो भगवान की, हालांकि जो एक मूल परिभाषा है इस्लाम धर्म में और सनातन धर्म में, वो दोनों समान हैं कि भगवान जो है वो एक हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं, वो परम दयालु हैं, वो सब कारणों के कारण हैं, वो इस सृष्टि से परे हैं, उन्होंने पूरी सृष्टि बनाई है, वो इसको चला रहे हैं, वो इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन जो भगवान के गुण हैं, जो उनके ऐश्वर्य हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है, उनको किसी एक छोटी सी किताब में नहीं बांधा जा सकता, या कोई ये नहीं बोल सकता कि मैंने अपनी छोटी सी बुद्धि से उस असीमित भगवान को समझ लिया है। भगवान भगवद्गीता में इतने डिटेल में अपने ऐश्वर्य बताते हैं, और अंत में बोलते हैं कि ये छोटा सा एक संकेत दिया है, जो मेरे ऐश्वर्य हैं वो असीमित हैं, असंभव है उनको समझना, ये तो सागर की एक बूंद के समान मैंने बताया है। तो जब हमें भगवान के गुणों के बारे में कहीं और से पता लगता है, अगर वो एक ऑथेंटिक, एक बोनाफाइड सोर्स से आ रहा है, तो हमको खुले दिमाग से उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि मेरी किताब में नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता है, तो ऐसा हो नहीं सकता। इस तरह के भाव नहीं रखने चाहिए। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ASI, वो भारत की सबसे बड़ी अथॉरिटी है। उसने अभी तक राम जन्मभूमि का जो जगह है, जो कैंपस है, उसमें 5 सर्वे करे हैं। 5 सर्वे में 350 से ज़्यादा प्रमाण उन्होंने सबमिट करे हैं कोर्ट में, जो उनको वहाँ पे मंदिर होने के मिले हैं। एक बहुत बड़ा गरुड़ा ध्वज पूरा एक सिंगल पीस में, एक पूरा स्टोन मिला है, वो आज भी फैजाबाद के म्यूज़ियम में रखा हुआ है। कितनी सारी टूटी हुई मूर्तियाँ मिली हैं, 50 से ज़्यादा पिलर मिले हैं वहाँ पे। तो जो पूरा इस बात का प्रमाण है कि वहाँ पे मंदिर था। इनफैक्ट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से तो पता लग रहा है कि वहाँ पे 2nd शताब्दी में भी मंदिर था, तब भी वहाँ पूजा होती थी। मतलब इस्लाम के स्टार्ट होने से 300-400 साल पहले की बात है कि जहाँ पे मंदिर होता था। तो इस बात में अब कोई भी संशय मात्र नहीं है कि वहाँ पे पहले मंदिर था और उसको तोड़ के बाद में मस्जिद बनाई गई। मेरे एक मुस्लिम मित्र ने मुझे बताया कि कुरान के अनुसार कोई भी ऐसी जगह जो डिस्प्यूटेड है, जिसके ऊपर झगड़ा चल रहा है, वहाँ पर बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकते, वहाँ पर मस्जिद नहीं बना सकते। तो इस ज़मीन पर तो 500 साल से झगड़ा चल रहा है, 130 साल से तो कोर्ट में ही है केस, 2000 लोग मारे जा चुके हैं, तो यहाँ कैसे नमाज पढ़ी जाएगी, यहाँ कैसे जो है मस्जिद बनेगा। दूसरी बात यह है कि जो इस्लाम धर्म है, जो मुस्लिम भाई हैं, उनके लिए इस बात से ज़्यादा ज़रूरी कि वो कहाँ बैठ कर पढ़ रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किस दिशा में देख कर पढ़ रहे हैं। तो उनको जो है, जो काबा है वो सेंट्रल लोकेशन है, उस दिशा में देख कर जो है नमाज पढ़नी है।
तो चाहे अगर कोई हिंदुस्तान में हो चाहे कोई अमेरिका में हो, उसकी जो दोनों की जो डायरेक्शन है वो काबा की तरफ होगी, इसको किबला बोलते हैं। तो चाहे मैं यहाँ बैठूँ चाहे मैं थोड़ी दूर बैठूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अनटिल अनलेस जो मेरी डायरेक्शन है वो काबा की तरफ है। अब मुझे ये बात नहीं समझ में आती थी कि यहीं पर बैठ के राम जन्मभूमि पर बैठकर ही क्यों नमाज पढ़नी है, मस्जिद यहीं पर ही क्यों बनानी है, वो थोड़ी दूरी पर क्यों नहीं बन सकती। इस बात का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। जो अरब कंट्रीज़ हैं वो खुद ही अपनी मस्जिदें तोड़ते रहते हैं, रोड बना रहे हैं, मस्जिद रास्ते में तोड़ दी, पार्किंग की ज़रूरत है तो मस्जिद तोड़ दी। जो इस्लाम का सेंट्रल है, जहाँ से पूरी दुनिया में इस्लाम चलता है, जहाँ से गाइड होता है, वो खुद ही मस्जिद तोड़ते रहते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर भगवान राम की जन्मभूमि है, यहीं पर बैठकर ही नमाज क्यों पढ़नी है, इस बात का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बहुत ईगर हूँ उस चीज़ को पढ़ने के लिए। तो यहाँ हमारे हिंदू भाइयों को समझना होगा कि इस्लाम धर्म में अर्च विग्रह के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो अगर अज्ञानतावश वो कोई गलती करते हैं तो उनसे नफरत करना जो है वो सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि उनको सही ज्ञान देना, उसको इसके बारे में बताना, ये सॉल्यूशन है। जहाँ तक मंदिर की बात है, कोर्ट का निर्णय कुछ भी आए, हजारों लाखों हिंदू मर जाएंगे, लेकिन वह मंदिर के अलावा कुछ और नहीं बनने देंगे। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि जो हमारे सारे हिंदू भाई हैं वो मिलकर एक बहुत बढ़िया भव्य शानदार मस्जिद का निर्माण करें, ऐसी मस्जिद जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना हो, और हमारे मुस्लिम भाई जो हैं वो भी हिंदुओं का साथ दें, उनके साथ मिलकर एक बहुत भव्य भगवान श्री राम का मंदिर बनाया जाए, और जो दोनों के बीच में सद्भावना होगी, दोनों के बीच में ये जो एक फेस्टिवल होगा, उत्सव होगा मंदिर और मस्जिद बनने का, इसका जो इसका उदाहरण पूरी दुनिया में दिया जाएगा, इसका उदाहरण आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी, और इसके अलावा इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। हरे कृष्ण।